नमस्कार दोस्तों, माय कंट्री माय कार्स की एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कमिट किया था कि मैं ब्रदर कार जोन चंडीगढ़ में आपको लेके जाने वाला हूं, यहां का विजिट आपको करवाने वाला हूं, और क्या क्या कार्स की कलेक्शन इनके पास है वो आज सारी हम डिस्कस डिटेल में करेंगे। कौन सी गाड़ी किस बजट में हमें यहाँ पर मिल सकती है, सो सारा जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो हमें पूरी डिटेल्स यहाँ की गाड़ियों की बताने वाले हैं, शिवम जी से एक मुलाकात करवा देते हैं। शिवम जी नमस्कार जी, उम्मीद करता हूँ मेरे सारे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं खुश होंगे, ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और चलिए इसी के साथ, इसी नोट के साथ गाड़ियों की डिटेल जो है वो बताते हैं आपको। आप देख पा रहे हैं लगभग यहाँ में इनके जो कलेक्शन हैं इनमें लगभग 15 कार्स जो हैं यहाँ पर लगी हुई हैं। i10 ग्रैंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर्च्यूनर आपको मिल जाएगी, i10 जो फर्स्ट जनरेशन की थी वो आपको मिल जाएगी, इंडिका अगर आपको चाहिए, हाँ अगर आपको अगर मेरी गाड़ी भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट में अपना नंबर दे दीजिए, आपको ये भी मिल सकता है। सो जस्ट चेक आउट द वीडियो, अगर आपको कोई भी गाड़ी पसंद आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इनका नंबर डाल देता हूँ एज़ यूजुअल, जैसा कि लास्ट वीडियो में भी डाला था और काफ़ी सारे लोगों ने क्वेरीज़ की थी और कॉन्टैक्ट किए थे। सो अगेन सेम, अगर आपको कोई क्वेरी है और आपको आंसर चाहिए उसका तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर हैं, वीडियो में भी आप पॉज करके देख सकते हैं, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं सारे नंबर्स कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दूंगा। सो चलिए शुभम भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और मेरी लास्ट वीडियो में जो थी काफ़ी क्वेरीज थी लोगों की, लाइक आप फाइनेंस का भी ऑप्शन आपके पास रहता है, 100 किलोमीटर रेंज में कोई भी बंदा चाहे हरियाणा से चाहे पंजाब से चाहे हिमाचल से, अगर सैलरी अकाउंट है, जेनुइन है, मतलब उनका अकाउंट में सैलरी वगैरह आती है, किसी भी तरह की इनकम आती है, उनके सिंबल वगैरह ओके होते हैं तो लोन हमारी तरफ से अप्रूव्ड हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब वो 100 किलोमीटर रेंज में हम करवा के देंगे, आप करवा के दोगे। अच्छा, और इसके अलावा मेरे व्यूअर्स जो हैं, काफ़ी लास्ट टाइम जो आपकी ऑडी सेल हुई है इसी वीडियो की वजह से हुई है जी। सो अगर आगे से अगर मेरा वीडियो का रेफरेंस लेके कोई आपके पास आता है तो आप क्या रिगार्ड करोगे? कोई ना कोई गिफ्ट हम हर पार्टी को देंगे, मतलब जो भी आपके रेफरेंस से आपका नाम लेकर यहाँ पर विजिट करेगा उनको इनके नाम की वजह से एक ना एक गिफ्ट मिलेगा, चाहे वो गिफ्ट में कुछ भी हो, परफ्यूम हो, थैंक यू, या पेट्रोल डलवा के दें, टैंकी में करके दें, या कुछ भी जो हमारा दिल होगा, ठीक है, वो डिपेंड ऑन द डील की, डील किस तरीके की हो रही है। सो चलिए शिवम भाई फिर आगे गाड़ियों की डिटेल शेयर करते हैं। चलिए शिवम भाई सबसे पहले होंडा अमेज से स्टार्ट कर देते हैं, बताओ इसके बारे में। ये 2014 मॉडल गाड़ी है मेरे भाई, और ये हरियाणा का नंबर है गाड़ी का, जैसे कि आप देख ही रहे हो, और इसकी डिमांड अगर हम बोलें तो कुछ 3.5 लाख रुपए की डिमांड है, बाकी जो बेस्ट होगा वो ऑन द स्पॉट पार्टी से बात कर करवा दिया जाएगा। लॉय व्हील डले, कंपनी फिटेड वाली, बिल्कुल, ये सेकंड टॉप मॉडल है, डीजल है, ये डीजल गाड़ी है जी। और क्या डील प्राइस क्या बता रहे हैं? 3.5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं, बाकी ऑन द स्पॉट जो बेस्ट होगा देख लिया जाएगा। चलिए अंदर से मैं गाड़ी की कंडीशन आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले डोर पैनल और उसके बाद डैशबोर्ड की जो कंडीशन है काफ़ी साफ सुथरी है, स्क्रैचेस वगैरह ज़्यादा नहीं है। म्यूज़िक सिस्टम उसको आपको नॉर्मल वाला ही इसमें मिलेगा। बाकी अंदर सीट कवर्स की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे नीचे आपको कप होल्डर भी मिल जाएंगे बैक सीट्स पर। और अगर होंडा अमेज का आप लॉन्ग टर्म रिव्यू देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके आप वीडियो सर्च कर सकते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। सो गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन आपको मैंने दिखा ही दी, डील काफ़ी अच्छी, गाड़ी में कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, अंदर का इंटीरियर की डिटेल्स भी काफ़ी अच्छी हैं। सो अगर आपकी समझ में आती है ये डील तो आप डेफिनेटली इसके लिए आ सकते हो। और इस गाड़ी का स्पेशल एक प्लस पॉइंट ये है कि इसका डीजल में माइलेज जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है, अराउंड 28-29 तक आप जो है हाईवे पर इसका माइलेज ले सकते हैं, एंड बूट स्पेस भी इसका काफ़ी बड़ा है। तो भाई आगे चलते हैं हम ग्रैंड i10 की ओर। ग्रैंड i10 मेरे पास 3 मॉडल खड़े हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे हो, 1, 2 और 3, तीनों गाड़ियाँ तीनों एक एक साल के डिफरेंस में हैं, 14, 15 और 16। So ये वाली 14, ये 14 मॉडल है, ये वाली 15 है, 15 और ये वो 16 है, और वो वाली 16। जो 14 मॉडल है वो पुश बटन स्टार्ट है, डीजल वेरिएंट है। अच्छा, ठीक है जी, गाड़ी बिल्कुल जेनुइन जैसे बोलते हैं अच्छी कंडीशन में गाड़ी है, और टायर्स वगैरह इसके ब्रांड न्यू डले हुए हैं, और गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है, जो भी इसको लेकर जाएगा, मतलब कहते हैं ना एक घर में पुरानी चीज़ गई पर उसकी कंडीशन नहीं जैसी मिली, वैसी गाड़ियाँ तीनों ये। और ये तीनों डीजल है? नहीं, 2 डीजल है, 1 पेट्रोल है, 14 और 15 डीजल है, 16 मॉडल जो है वो पेट्रोल है, ये दोनों जो है वो डीजल है, बिल्कुल, और वो पेट्रोल है, पेट्रोल है। तो अब हम 14 की बात करें तो इसकी डिमांड है कोई 3,70,000 रुपये की, बाकी जो रिगार्ड होगा वो ऑन द स्पॉट
टाइम ऑफ डील बेस्ट से बेस्ट डील करवाएंगे। जैसा कि हमने वीडियो में बताया था कि पुश स्टार्ट स्टॉप बटन का ऑप्शन इस मॉडल में मिलेगा और माउंटेड कंट्रोल में सिर्फ रीसेट और ट्रिप का ऑप्शन आपको इसमें मिलेगा, बट जो आगे जो दो गाड़ियां हम दिखाने वाले हैं उनमें आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी मिल जाएंगे। इसके अलावा रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे दिया हुआ है। इंटीरियर स्कीम की बात करें तो ड्यूल टोन में आपको इसकी अंदर जो इंटीरियर्स मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छी कंडीशन है, स्क्रैचेस वगैरह नहीं हैं। कंपनी फिटेड म्यूज़िक सिस्टम है, स्टार्ट बटन जैसा कि मैंने आपको दिखाया। डोर पैनल्स की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, विंडोज़ के कंट्रोल करने के बटन, और पीछे कैबिन के लिए भी एसी बैंक इसमें मिलेगा। ट्रे में टू स्पीकर्स मिल जाएंगे। बैक बम्पर की अगर बात करें तो कैमरा के साथ सेंसर्स आपको मिल जाएंगे। अंदर से कंडीशन आप यहां से देख सकते हैं, ड्यूल टोन इसमें डैशबोर्ड मिल जाएगा, उसके साथ कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम है। अंदर कोई स्क्रैचेस वगैरह कुछ नहीं आपको देखने को मिलेंगे। रूफ़ मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। सीट कवर की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। कंट्रोल, दो डीजल गाड़ियों के बाद एक तीसरी ग्रैंड आइटम जो है हम आपको पेट्रोल वेरिएंट में दिखा देते हैं, क्योंकि पेट्रोल लेने वाले भी काफ़ी सारे कस्टमर्स होते हैं कि अपनी अपनी चॉइस होती है, यूजेस के हिसाब से बंदा सोचता है कि पेट्रोल ले लेते हैं। पेट्रोल थोड़ी सस्ती पड़ जाती है जब हम लेते हैं, उसके अलावा जब उसकी रनिंग कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है बिकॉज ऑफ माइलेज। तो गाड़ी की कंडीशन आपको मैं दिखा देता हूँ। इसके भी टायर्स ब्रांड न्यू हैं, इसके टायर्स की आप कंडीशन देख सकते हैं टायर। और शिवम भाई बताओ इसका रेट, इसकी डिमांड क्या है और डील कितने में ये हो सकती है? 4,35,000 रुपये की डिमांड है, बाकी ऑन द स्पॉट। बाकी ऑन द स्पॉट हो जाएगा और बिल्कुल। हमने बताया कि ये पेट्रोल वेरिएंट है और इसमें भी आपको इंटीरियर्स और एक्सटीरियर में काफ़ी अच्छी क्वालिटी और अच्छी कंडीशन मिल जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। कंपनी फिटेड म्यूज़िक सिस्टम आपको इसमें दिया हुआ है और विंडोज़ के कंट्रोल, विंडोज़ की कंडीशन, कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको इसमें मिलेंगे। रूफ़ की कंडीशन एक बार मैं दिखा देता हूँ। सीट कवर्स की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है। बैक एसी बेंट्स भी आपको इसमें मिलता है। तीनों गाड़ियाँ स्पोर्ट्स मॉडल हैं। उसके साथ आपको बता ही दिया पहले कि तीनों ही गाड़ियाँ जो हैं वो स्पोर्ट्स मॉडल हैं, जिसमें आपको फॉग लैंप मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स मॉडल वैसे भी हुंडई का जो है वो वैल्यू फॉर मनी जो है माना जाता है। तो शिवम भाई, 2015 मॉडल डीजल में जो ये स्पोर्ट्स ग्रैंड i10 है, इसका डिमांड और डील प्राइस बता दो। इसकी डिमांड 4,00,000 रुपये है, बाकी जो बेस्ट होगा ऑन द स्पॉट वो ऑन द स्पॉट हो जाएगा। सो आगे हमारे पास है एक बहुत ही दमदार SUV फॉर्च्यूनर, जिसको भाई देख के ही मन बोलता है वाओ क्या कार है, और सब हर कोई इसको ऑन करना चाहता है कि मेरे पास काश गाड़ी हो। सो शिवम भाई बताओ जरा इसकी डिटेल। ये भैया 2013 रजिस्टर्ड 14 मॉडल गाड़ी है और डीजल वेरिएंट है ये, ठीक है जी। और ये 4x2 है गाड़ी, इसमें एक ऊपर मॉडल आता है 4x4 और मैनुअल गाड़ी है ये। टायर्स कंडीशन आप देख ही रहे हैं, ऑलमोस्ट न्यू कंडीशन ही कह सकते हैं, बट हम न्यू नहीं बोलेंगे, 80-85 टायर बोलेंगे। हाँ, जो ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। और गाड़ी 13 रजिस्टर्ड 14, ठीक है जी, 14, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें जो नंबर लगा हुआ है 0054, ये आपको साथ ही में गिफ्ट देंगे हम। अच्छा, ये साथ में ही रहेगा? बिल्कुल, नंबर रिटेन नहीं करेंगे, साथ में ही देंगे। अगर हम नंबर की कीमतें देखें तो मेरे ख्याल से डिपेंड करता है ऑक्शन पे, 1,00,000 का हो जाए, 2,00,000 का हो जाए, वो डिपेंड करता है ऑक्शन टू ऑक्शन। तो ये नंबर आपको साथ ही दिया जाएगा, चंडीगढ़ नंबर गाड़ी है ये। फॉर्च्यूनर के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं इसके इंटीरियर्स आपको। सो फ्रंट में आपको दो एयरबैग्स मिल जाएंगे, टच पैनल, म्यूजिक सिस्टम इसमें लगवा रखा है, एसी के कंट्रोल, डैशबोर्ड की ओवरऑल क्वालिटी, सीट्स की कंडीशंस, ऊपर का रूफ की कंडीशन, बैक सीट्स, बीच में आपको आर्मरेस्ट और बॉटल होल्डर, कप होल्डर मिल जाएगा। यहाँ पर आर्मरेस्ट के साथ कुछ स्पेस आपकी चीज़ों को प्लेस करने के लिए, और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ओवरऑल गाड़ी की कंडीशन जो है काफ़ी सही है। और इसके साथ साथ आपको ये ब्लाइंड फोल्ड का भी ऑप्शन इसमें। रूफ रेल्स जैसा कि स्टैंडर्ड इस मॉडल में दी हुई है,
बैक शील्ड पे वाइपर आपको मिलेगा, लाइट्स। सो ओवरऑल कंडीशन इज़ गुड। सो दूसरी साइड से भी गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, गाड़ी की डिटेल्स हमने सारी आपको बता दी। इफ़ एनीबडी इंटरेस्टेड कैन कॉन्टेक्ट। और चलिए अब जानते हैं इसका जो डिमांड प्राइस है। तो इसकी डिमांड और बताओ प्राइस जो देने वाला है, ताकि कोई डिमांड अगर हम करें तो इसकी वैसे 15 लाख रुपए की कर रहे हैं हम। 15 लाख, बाकी जो बेस्ट होगा ऑन द स्पॉट डील के टाइम कर देंगे। एक अकेली आइटम है, ये ग्रैंड आइटम नहीं है, 2009 का मॉडल है। आई थिंक ये फर्स्ट जनरेशन, बिल्कुल 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 वाली आइटम है। इसकी आज भी इतनी डिमांड है मार्केट में कि भाई गाड़ी, हर बंदा छोटी गाड़ी को सेंट्रो की जगह आइटम लेने को सोचता है आज की डेट में। ये 2009 मॉडल है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में कार है ये। इसकी डिमांड कोई है जी 1,95,000 रुपये की, और बिल्कुल अच्छी कंडीशन में गाड़ी है। बाकी 2009 मॉडल, गाड़ी की 2009 मॉडल के हिसाब से कंडीशन काफ़ी बहुत अच्छी कंडीशन है, बहुत जेन्युइन। एंड इसका प्राइस और डील फाइनल प्राइस क्या रहेगा? वो ऑन द स्पॉट सर, 195 डिमांड है, बाकी ऑन द स्पॉट। ठीक है, गाड़ी के पीछे से मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ। तो चलिए, i10 जो कि फर्स्ट जनरेशन है, इसके अंदर अब हम आ चुके हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहले तो टच पैनल आपको इसमें मिल जाएगा, इसमें लगा हुआ है, आपको अवेलेबल है ये। और ड्यूल टोन इंटीरियर स्कीम उस टाइम पे भी हुंडई जो थी ऑफर करती थी। ग्लव बॉक्स, ओवरऑल कंडीशन गाड़ी की अंदर से काफ़ी अच्छी है। सीट्स भी आपको ड्यूल टोन ही मिलेंगी, ये बैक सीट्स आप देख सकते हैं। रूफ की कंडीशन, और ओवरऑल गाड़ी की एयर कंडीशन की बात करें तो काफ़ी सही है। कप होल्डर यहाँ पे, कप रखने के लिए। सो गाइज, यही था आज का वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो जो है मेरी वो नेक्स्ट 3 डेज में आने वाली है, जिसमें कि हम मारुति की कार्स विटारा, ब्रेजा, स्विफ्ट डिज़ायर, ऑल्टो के साथ साथ i20 भी आपको दिखाएंगे। सो इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।